जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए एरर का मैसेज आ चुका है। जो देखिए जो भी मेथड मैंने दिखाया है सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके सिस्टम में भी विंडोज 11 सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट को डिसेबल कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। वेलकम बैक स्पेंस, तो मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के लिए विंडोज 11 का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे विंडोज 11 सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट को कैसे डिसेबल करते हैं, तो मैं आज आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर करूंगी। यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक मेथड नहीं दोनों मेथड दिखाऊंगी, जो भी मेथड आपके लिए अच्छे लगती है आप उस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए कैसे हम लोग विंडोज 11 सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट को परमानेंटली डिसेबल करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप ऑल में जरूर क्लिक करिए। तो यहां पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरवन क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करते हैं तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कैसे डिसेबल करेंगे ऑटोमेटिक अपडेट को विंडोज 11 सिस्टम में। तो मैं आप लोग के लिए पहले वर्जन भी चेक करके दिखा देता हूं। जो देखिए मैं यहाँ पर विंडोज 11 का नॉर्मल वर्जन यूज कर रहा हूं, जो देखिए ओएस बिल्ड क्या है, जो देखिए 22621.1848, जो देखिए कुछ दिन पहले ही जो विंडोज 11 का जो एक अपडेट आया था। देन उसके बाद यहां से हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड से विंडोज एंड आर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। विंडोज एंड आर बटन को प्रेस करने के बाद यहां पर आपके सामने जो देखिए रन ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहां पर आपको जस्ट फॉर एक कमांड अप्लाई करना पड़ेगा। कमांड क्या है, जो देखिए services.msc, जो देखिए ये है टोटली कमांड। तो चलिए मैं यहां पर टाइप करता हूं, जो देखिए services.msc, नहीं तो आप यहाँ पर सर्च करके भी यहाँ से services.msc को ओपन कर पाएंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद वहां पर एक सर्विसेस बोल के यहाँ पर एक ऑप्शन हो, तो वहां पर भी जाके आप सर्विसेस को ओपन कर पाएंगे। बहुत सारा ऑप्शन है, जो भी मेथड आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये है शॉर्टकट मेथड। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक करिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में जो भी सर्विसेस है यहाँ पर ऑल डिटेल्स शो हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप कीबोर्ड से W बटन को प्रेस करिए। W बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर W रिलेटेड जो भी ऑप्शन है, जो देखिए विंडोज रिलेटेड, यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से आपको फाइंड करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन, जो देखिए विंडोज अपडेट, जो देखिए ये है विंडोज अपडेट, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक न्यू विंडो ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए स्टार्टअप टाइप, जो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली है, तो यहाँ पर आपको डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई बटन में क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए सर्विसेस स्टेटस, जो देखिए रनिंग है, तो इसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर स्टॉप हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। बस यहाँ पर जो भी काम था कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर आप कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। देन उसके बाद आप सर्विसेज को क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। फिर से यहाँ पर हम लोग विंडोज एंड आर बटन को प्रेस करते हैं। विंडोज आर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रन ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा जो देखे gpedit.msc, जो देखे जो है लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर, तो यहां से भी आप सर्च करके भी जीपी एडिट को ओपन कर पाएंगे, ये है शॉर्ट फॉर्म। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने जो देखिए लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन हो जाएगा, तो यहां पर आप देख पाएंगे जो देखिए फाइनली ओपन भी हो चुका है। देन उसके बाद यहां पर मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं, आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे। जो देखिए यहां पर दोनों ऑप्शन है, जो देखिए एक ऑप्शन है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड जो ऑप्शन है यूजर कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर हम लोग जो भी काम करेंगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही करेंगे। देन उसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे जो देखिए यहां पर टोटल तीनों ऑप्शन शो करी है। जो देखिए लास्ट जो ऑप्शन है, जो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद यहां पर आपको जाना पड़ेगा जो देखिए विंडोज कंपोनेंट, तो देखिए ये है विंडोज कंपोनेंट, जस्ट यहां पर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं।
देन उसके बाद यहाँ पर आपको विंडोज अपडेट सर्च करना पड़ेगा। जो देखिए विंडोज अपडेट थोड़ा सा लास्ट में आपको मिल जाएगा, जो देखिए ये है विंडोज अपडेट। देन उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, जो देखिए मैनेज एंड यूजर एक्सपीरियंस, तो जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन शो हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक दोनों ऑप्शन है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ेगा। कौन सा दोनों ऑप्शन है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं। जो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन को डिसेबल करेंगे वो है कॉन्फिगर ऑटोमेटिक अपडेट। तो देखिए इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक विंडो ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए नॉट कॉन्फिगर एनेबल एंड डिसेबल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप डिसेबल बटन में क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर अप्लाई बटन में क्लिक करिए, देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए स्टैट इससे पहले नॉट कॉन्फिगर था एंड यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है, जो देखे यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा, जो देखे अलाउ अपडेट टू बी डाउनलोड ऑटोमेटिकली ओवर मीटर, जो देखे ये है ऑप्शन, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी सेम टू सेम ऑप्शन है, जो जस्ट यहाँ पर आप डिसेबल बटन में क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद अप्लाई बटन में क्लिक करिए, देन उसके बाद ओके बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी काम था लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर का टोटली कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। देन उसके बाद मैं लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर को क्लोज कर लेता हूँ। जो देखिए मेरा सेकंड जो पॉइंट था ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, हम लोग मूव करते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको फिर से कीबोर्ड से आप विंडोज एंड आर बटन को प्रेस करिए। देन उसके बाद आपके सामने जो देखिए रन ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा, जो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्री एडिटर। जो देखिए रजिस्ट्री एडिटर को कैसे टाइप करेंगे, जो देखिए आर ई जी ई डी आई टी, जो देखिए ये है शॉर्ट फॉर्म, नहीं तो आप यहाँ से भी टाइप करके ओपन कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करता हूँ। तो देखिए देन उसके बाद येस एंड नो का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आपको येस बटन में क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद फाइनली यहाँ पर रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन शो करिए, तो यहाँ पर हम लोग जो भी काम करेंगे, जो देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन में जो देखिए एच के ई लोकल मशीन, देन उसके बाद इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जो देखिए एच के ई वाई लोकल मशीन। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे जो देखिए सॉफ्टवेयर में, जो देखिए सॉफ्टवेयर का ऑप्शन कहाँ पर है, जो देखिए यहाँ पर है, जस्ट इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जो देखिए कौन सा ऑप्शन, पॉलिसीज, जो देखिए ये है पॉलिसीज, जस्ट यहाँ पर हम लोग पॉलिसीज को एक्सप्लेन करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जो देखिए विंडोज का ऑप्शन, जस्ट यहाँ पर हम लोग विंडोज को एक्सप्लेन करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन शो हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन में जाना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन है, जो देखिए विंडोज अपडेट बोल के यहाँ पर एक फोल्डर दिखाई देगा, जो देखिए ये है विंडोज अपडेट, तो जस्ट इस यहाँ पर विंडोज अपडेट में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपको एक वैल्यू डेटा एंट्री करना पड़ेगा। वैल्यू डेटा क्या देंगे, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो भी ब्लैंक स्पेस है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए, देन उसके बाद न्यू में आइए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए डी डब्ल्यू ओ आर डी 32 बिट वैल्यू, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक वैल्यू का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेम क्या देंगे, तो चलिए मैं आप लोग के लिए शेयर करता हूँ। जो देखिए यहाँ पर एन, यहाँ पर कैपिटल होगा, देन उसके बाद ओ, देन उसके बाद यहाँ पर ए कैपिटल होगा, देन उसके बाद ऑटो, देन उसके बाद फिर से यू यहाँ पर कैपिटल होगा, देन उसके बाद अपडेट, जो देखिए ये है टोटली कॉमन। तो मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए रिपीट कर देता हूँ, जो देखिए कॉमन क्या है, जो देखिए नो ऑटो अपडेट, एन यहाँ पर कैपिटल होगा, ए यहाँ पर कैपिटल होगा एंड यू यहाँ पर कैपिटल होगा एंड अदर्स जो भी ऑप्शन है यहाँ पर स्मॉल में है। तो जो भी है सेम टू सेम ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी गड़बड़ कर देंगे तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं होगा। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूँ, जो देखें नो ऑटो अपडेट,
देन उसके बाद इस नो ऑटो अपडेट के ऊपर आप क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने देखिए एक छोटा सा विंडो ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो देखिए बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू डेटा है यहाँ पर जीरो है, तो जीरो को रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद यहाँ पर आप वन टाइप करिए। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक करिए। जो देखें यहाँ पर जो भी काम था यहाँ पर टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक ऑप्शन यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग ने जो जो एक्सप्लेन किए थे फोल्डर उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देते हैं सब कुछ। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग थर्ड नंबर ऑप्शन में मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं एच के ई लोकल मशीन में हम लोग एक्सपेन करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग सिस्टम में जाएंगे। जो देखिए ये है लास्ट ऑप्शन है जो देखिए सिस्टम। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे करंट कंट्रोल सेट। जो देखिए ये है करंट कंट्रोल सेट। जस्ट यहाँ पर हम लोग इसको एक्सपेन करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग मूव करेंगे जो देखिए सर्विसेस। तो जस्ट यहाँ पर हम लोग सर्विसेज को एक्सपेंड करते हैं। सर्विसेज को एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको W सर्च करना पड़ेगा। जो देखिए W यहाँ पर लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको W में यहाँ पर आपको जो फाइंड करना पड़ेगा जो देखिए WUASERV जो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। तो देखिए सेम टू सेम ही आपको करना पड़ेगा अगर आप विंडोज 11 सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट को परमानेंटली डिसेबल करना चाहते हैं तो। तो देखिए ये है बेस्ट मेथड। तो देखिए इसके ऊपर बहुत सारा आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप इजीली विंडोज 11 सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट को परमानेंटली डिसेबल कर पाएंगे। तो देखिए ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मैं थोड़ी देर के बाद मैं आप लोग के लिए शेयर करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो फोल्डर सर्च करेंगे जो देखिए WUA। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा WUA कहाँ पर है। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ये है फोल्डर। जो देखिए WUASERV जो देखिए जस्ट इसके ऊपर आप एक्सपेंड करिए नहीं तो आप इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए, बेटर ऑप्शन है। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू डेटा यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा। कौन सा वैल्यू डेटा चेंजेस करेंगे जो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है जो देखिए डिपेंड ऑन सर्विस। जो देखिए डिपेंड ऑन सर्विस यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन सेकेंड जो ऑप्शन दिखाई दे रही है जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए वैल्यू डेटा कुछ है जो भी है सेम टू सेम ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर आप कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप कीबोर्ड से ओनली जीरो टाइप करिए, जीरो ओ नहीं जीरो टाइप करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी काम था कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर और भी एक वैल्यू डेटा एंट्री करना पड़ेगा। कौन सा सेकंड ऑप्शन है जो देखिए इमेज पाथ। जो देखिए इमेज पाथ ऑप्शन कहाँ पर है जो देखिए ये है। तो जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू डेटा दिखाई दे रही है सेम टू सेम ऐसा ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने जो देखिए यहाँ पर एक exe बोल के यहाँ पर एक ऑप्शन है। जो देखिए exe के पहले यहाँ पर आप जीरो टाइप करिए। तो पहले आप देख लीजिए जो देखिए जीरो जीरो के बाद यहाँ पर डॉट exe है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जीरो डॉट exe। देन उसके बाद जो भी ऑप्शन है सेम टू सेम ऐसा ही रहने दीजिए। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर एडिटर का जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद आप फाइनली रजिस्टर एडिटर को क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सेटिंग्स को ओपन करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो देखिए यहाँ पर आप दिखाई दे रही है जो देखिए नेटवर्क एंड इंटरनेट जस्ट यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप दिखाई दे रही है जो देखिए इंटरनेट। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इथरनेट से कनेक्टेड हूँ। अगर आप यहाँ पर वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर आपके सामने वाईफाई शो हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर इथरनेट से कनेक्टेड हूँ तो मैं इसके लिए इथरनेट में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो देखिए
मीटर कनेक्शन, जो देखिए अगर आपके पास मीटर कनेक्शन यहाँ पर ऑफ है तो इसको आप जरूर ऑन कर दी, देन उसके बाद फाइनली आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करता हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं, जो देखिए फाइनली यहाँ पर जो विंडोज 11 सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट परमानेंटली डिसेबल हुआ है कि नहीं। तो चलिए तो मैं सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करता हूँ। फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो देखिए विंडोज 11 सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट डिसेबल हुआ है कि नहीं। तो चलिए तो इसके लिए मैं यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन करता हूँ। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए यहाँ पर एक विंडोज का अपडेट ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर मैं विंडोज अपडेट बटन में क्लिक करता हूँ। जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए एरर का मैसेज आ चुका है। जो देखिए जो भी मेथड मैंने दिखाया है सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके सिस्टम में भी विंडोज 11 सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट को डिसेबल कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए जो भी मेथड मैंने शेयर किया है सेम टू सेम मेथड को ही फॉलो करिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए रीट्राई का यहाँ पर एक ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर रीट्राई बटन में क्लिक करिए तो सेम टू सेम ही यहाँ पर एक एरर मैसेज शो हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक कोड भी आ रही है, जो देखिए कोड क्या है, जो देखिए 0x8007043। जो देखिए अगर आप इस कोड को नेट में थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपके सामने जो देखिए एक आउटपुट आ जाएगा। जो देखिए आउटपुट क्या आ सकती है, जो देखिए ये है आउटपुट, जो देखिए द एरर कोड 0x8007043 नहीं तो 0x90016 इज यूजुअली कॉज बाय एन अनफिनिश्ड एंड और कोरप्टेड अपडेट फाइल। We suggest running Windows Update Troubleshooter to resolve the error code that you are getting. तो देखिए यहाँ पर जो बोली है, जो देखिए Windows Update का ट्रबल शूटिंग करने के लिए बोली है। तो I hope आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा, जो देखिए कैसे Windows 11 सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट को डिसेबल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जितने बार आप कोशिश करिए यहाँ पर रिट्राई करिए तो सेम टू सेम ही आपका आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए अगर आप सोच रहे होंगे जो मैं एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर दूंगी देन उसके बाद यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखिए जितने बार आप कोशिश कर लीजिए यहाँ पर सेम टू सेम ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो देखिए अगर आप सोच रहे होंगे जो मैं विंडोज ट्रबल शूटर में जाके इस ऑप्शन को क्लियर कर दूंगी तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो जो भी आपने मैनुअली यहाँ पर सेट किया है उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप विंडोज अपडेट को प्रॉपरली रन होगा, अदरवाइज यहाँ पर रन नहीं होगा। मान के चलिए आपने तो डिसेबल कर दिया है, ठीक है कुछ टाइम के लिए, तो देन उसके बाद सोच रहे होंगे जो मैं एनेबल करना चाहता हूँ। एनेबल कैसे करेंगे, एनेबल करने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, देन उसके बाद हम लोग एनेबल प्रोसेस में मूव करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं रजिस्टर एडिटर को यहाँ से ओपन करता हूँ। जो देखें थोड़ी देर पहले यहाँ पर हम लोग ने जो रजिस्टर एडिटर में गए थे, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो फर्स्ट जो ऑप्शन में गए थे, जो देखें कंप्यूटर HKE लोकल मशीन सिस्टम करेंट कंट्रोल सेट सर्विसेस, देन उसके बाद WUAUSRV जो देखें फोल्डर में गए थे। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए डिपेंड ऑन सर्विस, जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने कुछ कस्टमाइजेशन किए थे। तो देखिए यहाँ पर जो भी है सेम टू सेम ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर हम लोग ने जीरो को यहाँ पर ऐड किए थे, तो जीरो को यहाँ पर रिमूव कर दीजिए। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग ने गए थे इमेज पाथ में। इमेज पाथ में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए वैल्यू डेटा बहुत सारा यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम लोग ने जीरो को दिए थे, जीरो को यहाँ पर हम लोग रिमूव करते हैं। एंड अदर्स जो भी ऑप्शन है सेम टू सेम ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर आप कोई भी छेड़छाड़ मत करिए, अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर हम लोग ओके बटन में क्लिक करते हैं, जो देखिए इसका जो भी ऑप्शन था यहाँ पर टोटली कंप्लीट हो चुका। देन उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक ऑप्शन में जाना पड़ेगा, जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने रजिस्टर एडिटर में दोनों ऑप्शन को चेंजेस किए थे, जो देखिए HK लोकल मशीन भी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो टोटली कंप्लीट हो चुका है, देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, जो देखिए HK लोकल मशीन में आप फिर से आ जाइए, देन उसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करिए, देन उसके बाद यहाँ पर पॉलिसीज को एक्सप्लेन करिए, देन उसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को एक्सप्लेन करिए, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग विंडोज को एक्सप्लेन करते हैं।
विंडोज को एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए विंडोज अपडेट बोल के यहाँ पर एक फोल्डर है। विंडोज अपडेट फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए नो ऑटो अपडेट, तो देखिए इसको आप राइट क्लिक करिए, देन इसके बाद डिलीट करिए। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो ऑन नहीं होगा। देन उसके बाद यस आ रही है तो यस बटन में क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर्ड एडिटर का जो भी काम था कंप्लीट हो चुका है। फाइनली मैं रजिस्टर्ड एडिटर को क्लोज करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रुप पॉलिसी एडिटर में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर gpedit.msc को मैं ओपन करता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में आता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर विंडोज कंपोनेंट में आता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर विंडोज अपडेट ऑप्शन में आ जाता हूँ। तो चलिए विंडोज अपडेट का ऑप्शन लास्ट में ऑप्शन है। देन उसके बाद मैनेज एंड यूजर एक्सपीरियंस में क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने जो देखे कॉन्फिगर ऑटोमेटिक अपडेट, जो देखे डिजेबल है, इसको नॉट कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अगर इसको भी आप नॉट कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तो विंडोज अपडेट ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए मैं नॉट कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद अप्लाई बटन में क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद ओके बटन में क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद अलाउ अपडेट्स टू बी डाउनलोड ऑटोमेटिकली ओवर मीटर कनेक्शन, इसको भी आप नॉट कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करिए। देन उसके बाद अप्लाई एंड ओके बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर का जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर से विंडोज एंड आर बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम लोग services.msc में जाते हैं। देन इसके बाद ओके बटन में क्लिक करते हैं। देन उसके बाद कीबोर्ड से आप W बटन को प्रेस करिए। W बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो देखिए विंडोज अपडेट बोल के यहाँ पर एक ऑप्शन है, जो देखिए फर्स्ट जो हम लोग ने किए थे, तो ये यहाँ पर स्टॉप दिखाई दे रही है, तो इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर स्टार्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक एरर मैसेज आ जाएगा। तो मैं पहले आप लोग के लिए शेयर कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैनुअल है तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक करता हूँ। देन उसके बाद स्टार्ट बटन में क्लिक करता हूँ। स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आपके सामने जो देखे एरर 1075 का यहाँ पर एक मैसेज आ रही है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पर आप ओके बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर अप्लाई एंड ओके बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद सर्विसेज से एग्जिट हो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो चलिए मैं सिस्टम को रिस्टार्ट करता हूँ। फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग सेटिंग्स में मूव करते हैं। सेटिंग्स में मूव करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए विंडोज अपडेट का यहाँ पर एक ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए अभी भी एक एरर है, तो जस्ट मैं यहाँ पर रिट्राई बटन में क्लिक करता हूँ। रिट्राई बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। जो देखिए इससे पहले ये ऑप्शन नहीं जा रही थी, जो देखिए रिट्राई का मैसेज आ रही थी। अगर यहाँ पर कोई भी विंडोज का अपडेट है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पूछ। जो देखिए आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा जो कैसे हम लोग विंडोज अपडेट को ऑटोमेटिकली डिसेबल करते हैं विंडोज 11 सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप। जो देखिए ये मेथड परमानेंटली है। अगर आप परमानेंटली डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इस मेथड को अप्लाई करिए तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। जो देखिए यहाँ पर अपडेटिंग सर्चिंग हो रही है, तो देखिए अगर अपडेट होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप क्लियर हो चुका होगा। जो देखिए यहाँ पर अपडेट होना भी स्टार्ट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल बटन में जो भी मैसेज आती है तो आप क्लिक करिए, देन उसके बाद इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जो देखिए अगर आप इस मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं, मैं इस मेथड को अप्लाई करना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारा ऑप्शन है, अगर गड़बड़ कर देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है सिस्टम में, तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए सेकेंड मेथड भी शेयर करूंगी। तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड कौन सा है। सेकेंड मेथड के लिए यहाँ पर आपको इसी वेबसाइट में आना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक देने के लिए, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा नेट में सर्च करेंगे तो विंडोज अपडेट ब्लॉकर वर्जन 1.8, तो यहाँ पर आपको इसी पेज में आप रिडायरेक्ट कर जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। जो देखिए यहाँ पर ये है इंटरफेस जो है विंडोज अपडेट ब्लॉकर वर्जन 1.8। तो देखिए अगर आप विंडोज अपडेट ब्लॉकर 1.8 के बारे में डिटेल्स में रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीड भी कर पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। जो देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा।
तो मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ये फाइल डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर मिल जाएगा, जो देखिए ये है फाइल। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट ऑल में क्लिक करिए, देन उसके बाद एक्सट्रैक्ट बटन में क्लिक करिए, जो देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद इस फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रही है, जो देखिए यहाँ पर 32 बिट के लिए भी अवेलेबल है एंड यहाँ पर 64 बिट के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो फिलहाल विंडोज 11 तो यहाँ पर 64 बिट ही अवेलेबल है, 32 बिट तो नहीं है, तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग 64 बिट वर्षन को यूज करेंगे, जो देखिए ये है 64 बिट वर्षन। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए, देन उसके बाद यहाँ पर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए ये एक ऑप्शन आ सकती है, जो देखिए विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी, तो इसके लिए मोर इन्फो में आप क्लिक करिए, देन उसके बाद रन एनीवे में क्लिक करिए, देन उसके बाद यस एंड नो का ऑप्शन आ सकती है, यस बटन में क्लिक कर दीजिए, देन उसके बाद इसको आप क्लोज कर दीजिए। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए विंडोज अपडेट ब्लॉकर वर्जन 1.8। तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन शो करी है, जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जो देखिए इनेबल अपडेट्स एंड सेकेंड ऑप्शन है डिजेबल अपडेट। तो हम लोग डिजेबल करना चाहते हैं, तो डिजेबल करने के लिए यहाँ पर डिजेबल अपडेट बटन में क्लिक करिए, देन इसके साथ ये भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा प्रोटेक्ट सर्विस सेटिंग्स। देन उसके बाद आप अप्लाई नाउ में क्लिक कर दीजिए, अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए प्लीज वेट, देन उसके बाद यहाँ पर सर्विस स्टेटस यहाँ पर क्रॉस मार्क आ चुका है। देन उसके बाद हम लोग सेटिंग्स को ओपन करके देखते हैं, जो देखिए फाइनली यहाँ पर डिजेबल हुआ है कि नहीं विंडोज अपडेट परमानेंटली, तो इस ऑप्शन से भी आप परमानेंटली कर पाएंगे। देन उसके बाद रन करिए, रन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए अभी भी कोई भी इरर नहीं आया है। देन उसके बाद मैं चेक फॉर अपडेट बटन में क्लिक करूंगी तो यहाँ पर आपके सामने सेम टू सेम इरर मैसेज आ जाएगा, जो देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग ने जो किए थे जो मैनुअल प्रोसेस था। जो देखिए अगर आप मैनुअल प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं मैं मैनुअल प्रोसेस को यूज नहीं करूंगी, मैं एक छोटा सा टूल को डाउनलोड करूंगी, इस टूल से मैं विंडोज अपडेट को परमानेंटली डिसेबल कर दूंगी, तो इस ऑप्शन को भी आप चूज कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो देखिए मैं जितना बार यहाँ पर रीटाइप बटन में क्लिक करूंगी तो यहाँ पर सेम टू सेम इरर कोड आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर तो हम लोग ने डिसेबल कर लिया है, एनेबल कैसे करेंगे? एनेबल करने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए एनेबल का ऑप्शन है, जो देखिए एनेबल अपडेट, जस्ट यहाँ पर आप क्लिक करिए, देन उसके बाद अप्लाई नाउ में क्लिक करिए। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए सर्विस स्टेटस ग्रीन कलर में हो चुका है। जो देखिए अगर आप यहाँ पर डिसेबल बटन में क्लिक करेंगे तो कुछ देर वेट करिए, देन उसके बाद यहाँ पर रेड कलर का मार्क आ जाएगा। रेड कलर का मार्क आने के बाद यहाँ पर आप मान के चलिए आपका जो भी विंडोज का अपडेट है वो डिसेबल हो चुका है परमानेंटली। तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं जो देखिए इनेबल हुआ है कि नहीं। इसके लिए मैं फिर से सेटिंग्स में आता हूँ, सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर विंडोज अपडेट में आता हूँ, विंडोज अपडेट में आने के बाद यहाँ पर रीट्राई का ऑप्शन आ रही थी, तो एक बार मैं फिर से रीट्राई बटन में क्लिक करता हूँ, जो देखिए यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट होना फिर से स्टार्ट हो चुका है। अगर अपडेट होगा तो यहाँ पर इजिली अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। जो देखिए दोनों मेथड मैंने आप लोग के लिए शेयर किया है, एक है मैनुअली मेथड एंड सेकेंड ऑप्शन है जो देखिए एक छोटा सा टूल से अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इजिली अपडेट को एनेबल एंड डिजेबल कर पाएंगे। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ क्वेश्चन आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। जो भी मेथड मैंने दिखाया है सेम टू सेम मेथड को आप फॉलो करिए तो बेटर परफॉर्मेंस देख पाएंगे। जो देखिए ये है बेस्ट मेथड विंडोज 11 सिस्टम में, अगर आप ऑटोमेटिक अपडेट को डिसेबल करना चाहते हैं तो इस मेथड को फॉलो करिए। तो देखिए इसके ऊपर बहुत सारा आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, तो बेस्ट मेथड मैंने शेयर किया है। जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट भी हो चुका है, कोई भी इरर नहीं आया है। तो मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक देने के लिए, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा नेट में सर्च करेंगे तो यहाँ पर विंडोज अपडेट ब्लॉकर वर्जन 1.8
तो आपको यहाँ पर इजिली मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए मेन्यू का भी ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर मेन्यू बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देन मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूंगी। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप ऑल में जरूर क्लिक करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा न्यू वीडियो कब आ रही है, तो इसके लिए जरूर बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल में जरूर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरबन क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलिए, तो इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। तो आई थिंक आप लोग जानती होंगी जो नेटवर्किंग गुरुजी नाम से एक फेसबुक का पेज है एंड ट्विटर का भी पेज है, अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो वहां पर भी मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस शेयर करता हूं। अगर आप सोच रहे होंगे जो मैं विंडोज 11 सिस्टम के ऊपर अगर आप और भी डिटेल्स में ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में आ जाइए। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए ऑलमोस्ट 57 वीडियोस अवेलेबल हैं एंड यहाँ पर अदर्स नेटवर्किंग का भी ट्यूटोरियल अवेलेबल है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो मैं थोड़े दिन के बाद मैं आप लोग के लिए CCNA एंड CCNP एंड फायरवॉल का ट्यूटोरियल मैं जल्दी देने वाला हूँ एंड इसके साथ विंडोज सर्वर के भी ट्यूटोरियल मैं जरूर दे दूंगी। इसके लिए जरूर सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इसके साथ जरूर फेसबुक एंड ट्विटर का पेज को भी लाइक एंड फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोग विंडोज 11 सिस्टम में विंडोज डिफेंडर को कैसे परमानेंटली डिसेबल करेंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस मेथड को देख लीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने आप लोग के लिए बेस्ट मेथड शेयर किया है जो देखें अगर आप विंडोज 11 सिस्टम में डिफेंडर को कैसे डिसेबल करेंगे, यहाँ पर भी मैंने दोनों ऑप्शन दिखाई दिया है। जो भी मेथड आपके लिए अच्छा लगती है आप उस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। सो दोस्तों आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिन में उस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल देने के लिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल में जरूर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसके साथ जरूर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इसके साथ फेसबुक एंड ट्विटर का भी पेज को लाइक एंड फॉलो कर लीजिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।